वॉरेन बफेट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में शुरू की और आज उनकी नेटवर्थ 85.6 बिलियन डॉलर्स है. एंड द फन फैक्ट इज, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा दैट ही विश ही हैड स्टार्टेड अर्लियर. तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा एंड क्या 11 साल ऑलरेडी अर्ली नहीं था? वॉरेन बफेट जैसे बहुत सारे बिलियनर्स हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत सारे पैसे कमाए, और अगर आप उन लोगों में से एक हो जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो और सोच ही रहे हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट्स के 3 ऐसे फ़ायदे बताऊँगी जिससे आपका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेहतर हो जाएगा. नंबर 1, यंगर द एज लेसर द पर्सनल एक्सपेंस. जब आप 19-20 साल के होते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम होते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट भी बड़ा होता है. इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे साल बाकी अभी पैसे कमाने के लिए, एंड जस्ट इन केस यू मेक अ लॉस यू हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू रिकवर इट. जनरली इस उम्र में आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है, या तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, और आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम होते हैं. अगर इसी पैसों का कुछ फ्रैक्शन आप इन्वेस्टमेंट्स में डालो तो टाइम के साथ ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं. कंपैरेटिवली अ 45-year-old जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे बच्चों का एजुकेशन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो उनकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम हो जाती है. उनको खर्चा और इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है. जैसे कि हम सबको पता है, इक्विटी इज़ कंपैरेटिवली रिस्कियर देन अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स. तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें 100-थंब रूल याद रखना चाहिए. तो 100-थंब रूल आखिर है क्या? ये रूल कहता है कि अगर आप 30 साल के हो तो 100-30 जो है 70% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, क्योंकि आप अभी भी यंग हो और आप बहुत रिस्क ले सकते हो. एंड वाइस वर्सा, इफ़ यू आर 70 years old तो 100-70 जो है 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्ड आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है. नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग. आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो और वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं? ये होता है कंपाउंडिंग के कारण. एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th wonder मानते थे. तो क्या होता है कंपाउंडिंग और इसका एज से क्या लेना देना? लेट मी एक्सप्लेन. सपोज आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 10%, तो 3 साल के बाद इंटरेस्ट ऐड करके आपका अमाउंट 1330 हो जाता है. इसका सिंपल एग्जाम्पल है फिक्स डिपॉजिट्स. आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो सेमी एनुअली कंपाउंडेड होते हैं. इसी तरह आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके टाइम के साथ आपके पैसे बढ़ जाएंगे. अब आपको ये तो पता ही चल गया है कि कंपाउंडिंग से पैसे बढ़ते हैं, पर इसका अर्ली इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 friends, संचित एंड सत्यम, जो हर साल बराबर पैसे कमाते हैं. पर संचित ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू की और सत्यम ने 27 years की उम्र में. उन्होंने हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 10%, एंड 35 की उम्र में संचित के इन्वेस्टमेंट्स सत्यम से ऑलमोस्ट डबल हो गए थे. इट इज़ सिंपल मैथ, पर ट्रिक सिर्फ यही है कि संचित ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग लाइफ में जल्दी सीखी एंड उसका एडवांटेज लिया. सत्यम ने भी वही किया पर 7 साल बाद. अगर यही चीज़ वो जल्दी शुरू करता तो वो भी कंपाउंडिंग का एडवांटेज ले पाता. डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. यू डेफिनेटली शुड. आफ्टर ऑल इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट द अर्लियर द बेटर, एस्पेशली उन लोगों के लिए जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है, जो अपने इनकम पर रिलाई करते हैं, उनके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है. नंबर 3, सिक्योर्ड फ्यूचर. अगर आप 20 साल की उम्र में एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो और अगर आपको 40 ईयर्स की उम्र में एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आता है जिसके लिए आपको बहुत सारा कैपिटल लगेगा, पर ये कैपिटल आप लाओगे कहाँ से? एक कॉमन तरीका है लोन लेने का, बट लोन के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं. आगे जाके वही पैसे आपको रिटर्न करने पड़ते हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ. पर अगर आपने अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं तो 40 साल तक यही इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी पैसे आ जाएंगे अपना खुद का वेंचर या बिजनेस फंड करने के लिए, वो भी बिना किसी लोन लिए. नॉट ओनली दिस,
अगर कल को जाके किसी भी रीज़न से आपकी जॉब चली जाए, कंट्री का इकोनॉमी गिर जाए या इन्फ्लेशन की वजह से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, तो यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी बना देता है। जब आपके फ्रेंड्स और पियर्स फिजूल खर्चे कर रहे हैं, तब आप वही पैसे सेव करके उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मिलती है एंड यू स्टार्ट मेकिंग बेटर फाइनेंशियली कैलकुलेटेड डिसीजंस। Alright guys, these were the three most important reasons why you should start investing early, because it's the smartest way to earn a lot of money and increase your wealth gradually. To zyada mat sochiye, aaj hi investing shuru kijiye. And as Warren Buffett says, if you don't find a way to make money while you're asleep, you'll work until you die.